हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो सीसीए वाला मैटर था, उसके लिए हम लोगों ने फिर से दिल्ली कैट कोर्ट में केस किया हुआ था और उसकी हियरिंग भी हुई, और वहाँ पर जो है जज ने या फिर रेलवे हमारी एक भी बातों को नहीं सुना। तो इसी वजह से दोस्तों, जो हमारे एडवोकेट सर हैं श्रीकांत जी, आप लोग को पता है कि इतनी सारी वैकेंट हैं ग्रुप डी के जो है वैकेंसी में, सीसीए कैंडिडेट के लिए इतनी सीटें वैकेंट हैं, हर एक जोन से रिजल्ट आते जा रहा है और वहां पर सीटें पता चलते जा रहा है कि इतने इतने सीटें जो है हर एक जोन में खाली हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस तरीके से जो सीटें वैकेंट हैं उसके लिए हमारे एडवोकेट सर ने कैट कोर्ट में फाइल किया हुआ था हम लोगों ने मिल करके, तो वहां पर तो डिसमिस कर दिया गया, एक भी बात ना सुनी गई। तो इसी वजह से जो हमारे एडवोकेट हैं श्रीकांत जी, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से रिट पिटीशन डाला है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, 25 तारीख की डेट में उन्होंने फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में केस जो है फिर से कर दिया है। और वहां पर जो है फिर से हम सभी के जो बातें हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाला मैं जो है मुद्दा हो, ठीक है, सीसीए वैकेंट जो सीटें हैं वो वाला मुद्दा हो, ठीक है, जो बार बार मॉडिफिकेशन दिया गया रेलवे द्वारा, नोटिफिकेशन में चेंजिंग किया गया, सारी बातों को हमारे एडवोकेट सर दिल्ली हाई कोर्ट में रखेंगे। इसकी हियरिंग जल्द होने वाली है, हम आपको बता देंगे, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है टोटल 152 पेज का ये दिल्ली हाई कोर्ट में जो है फिर से केस फाइल हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, 25 तारीख के डेट में, 24 तारीख के डेट में, यहाँ पर ये आप देखते हैं केस फाइल हमारा हुआ है, ठीक है। तो हमारे जो एडवोकेट सर हैं, कल ही हमारे पास जो है भेज दिए थे इन्होंने कि जो है दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से हम लोगों ने केस कर दिया है। देखिए दोस्तों, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनका कहीं ना कहीं भला हो जाए। जो सीटें वैकेंट है वो सीसीए के ही हक में आए, क्योंकि सीटी जो सीसीए कैंडिडेट होता है ना, जो रेलवे से अप्रेंटिस करता है ना, वो क्या होता है कि वो डबल स्किल होता है, ठीक है, उसके पास डबल स्किल होता है, नॉलेज होता है उसके पास, अनुभव होता है उस डिपार्टमेंट में काम करने का। तो आप ही समझिए कि जो सीटें वैकेंट है उनके हक में ही जाना चाहिए, ठीक है। रेलवे को ये नियम लाना चाहिए कि जिस तरीके से जो फिजिकली डैमेज कैंडिडेट होते हैं, यानी कि जो विकलांग कैंडिडेट होते हैं, उनकी बची हुई सीटों को आगे पोस्टपोन कर दिया जाता है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, तो उसी तरीके से जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनकी सीटें जो बचती हैं उसको आगे पोस्टपोन करना चाहिए या फिर उसे तुरंत फिल करवाना चाहिए, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो सीटें बच रही हैं अलग अलग जोन में सीसीए कैंडिडेट की, उस सीटों को जो है सीसीए कैंडिडेट को ही दिया जाए, उसे जो है जनरल में ना जाने दिया जाए। तो इसी वजह से फिर से हमारे एडवोकेट सर ने अपनी तरफ से पूरा हर एक चीज खर्च करके जो है दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी हियरिंग वगैरह जब भी होगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट अपडेट था जिसके बारे में हमें आपको बताना था, ठीक है। बाकी आप लोग के फिर भी यदि कोई सुझाव या सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, हम अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को मॉडिफिकेशन लिंक मिल जाए, जो सीसीए कैंडिडेट है उसकी जो ग्रुप डी में बच रही है सीटें इस बार 2019 वाले में, वो सीसीए के ही हक में जाए, ठीक है। बाकी पूरी कोशिश है दोस्तों, हमारे जो एडवोकेट सर हैं पूरी जी जान और मेहनत लगाए हुए हैं कि सीसीए को न्याय मिल जाए, उनका हक उनको मिल जाए, ठीक है। बाकी दोस्तों, हम अपनी तरफ से प्रयास पूरी कर रहे हैं, स्टार्टिंग भी हमने किया था वाईफाई गूगल ज्ञान हमारा चैनल, मैं विनोद शर्मा, हमारे द्वारा ये स्टार्टिंग किया गया था, हमारे साथ जो है हमारे इस मिशन में मॉडिफिकेशन लिंक वाले मुद्दे में काफी लोग हमारे साथ जुड़े। बाकी दोस्तों, मैं ज्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करूंगा, ये जो है नोटिस है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में हम लोग का केस फाइल हो चुका है, ठीक है। बाकी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।